हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 से 2 साल के बच्चे के लिए न्यू बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को हमने 2 पीस में कट कर लिया है। इसकी जो हमने लेंथ ली है वो 15 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 18 इंच ली है। फ्रेंड्स, हम ये 1 से 2 साल के बेबी के लिए फ्रॉक बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इतना काफ़ी रहेगा फैब्रिक। हम ये अपना 1 मीटर फैब्रिक में से हमारी ये दोनों बन जाएगी, हमारी निकर और हमारा फ्रॉक दोनों बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारी जो लेंथ है वो 15 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 18 इंच है। अब यहाँ पर हम एक पार्ट को निकाल देते हैं और यहाँ पर हम अपने एक पार्ट पर ऊपर से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ऐसे ही एक मार्क इधर भी लगाएंगे 2.5 इंच पर, एक सेंटर में भी लगा लेते हैं और निशान को हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस निशान को मिलाने के बाद हम इसको यहां पर ऐसे करके उल्टा रखेंगे, ये देखिए, और हम इसको यहां पर हमने ये देखिए हमारे चौक से निशान दिख रहा होगा आपको, हमने लाइन ड्रॉ की है। हम इसको यहां पर ऐसे करके रखेंगे और इसको यहां से एक फोल्ड ऐसे और कर देंगे, इसको यहाँ पर हम इस टाइप से करके सिल लेंगे। ऐसे ही करके हमें अपना ये वाला पार्ट और अपना हमें ये वाला पार्ट हमें अपने ऐसे ही दोनों पार्ट सिल लेने हैं। गाइस, ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैं आपको उसको नाप कर दिखाती हूँ। ये हमारा यहाँ से 2 इंच आ गया, 2 इंच का हम हाफ करेंगे 1 इंच। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर अपनी सिलाई से ऐसे करके निशान लगाएंगे। और इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। इन निशानों को सीधा करने के बाद जो मैंने चौक से निशान बनाया है इस पर ही हम ऐसे ही एक लंबी लाइन, एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें अपने इस पार्ट में और अपने इस पार्ट में, दोनों पार्ट में ऐसे ही करके यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक लेंगे, ये देखिए गाइस, ये हमने इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई हम 9 इंच रखेंगे। यहाँ पर मैंने 9 इंच पर एक मार्क कर लिया है चौक से। अब हम एक पिन की हेल्प से, ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 होल हो चुके हैं। हम एक नीचे वाले होल में ऐसे करके अपनी इलास्टिक को डालेंगे ये देखिए, हमने अपने इलास्टिक को यहाँ पर ऐसे करके डाल लिया है। और अपने इलास्टिक डालने के बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे जिससे हमारी इलास्टिक इधर उधर हो। फिलहाल मैं आपको पिन लगाकर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐसे करके खींच लेंगे और देखिए, ये हमारे यहाँ पर चौक का निशान आ गया है। अब इस निशान से भी आपको इसको ऐसे करके कट कर देंगे और उसको कट करने के बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे करके खींचेंगे जिससे ये हमारा इप्पल आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर ऐसे करके खींच लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे पूरी प्लेट्स इक्वल आ गई हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपने दोनों साइड किनारों पर सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी इलास्टिक सेट हो जाएगी। हमने यहाँ से इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिए है। अब इसको यहाँ पर हम ऐसे कर पकड़ के खींचेंगे, ये देखिए, ये हमारी ऐसे करके यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड में और हम एक लंबी स्ट्रिप लेंगे और ये स्ट्रिप हम 3 इंच चौड़ी लेंगे और 13 इंच लंबी रखेंगे। और इस स्ट्रिप को रखने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर अपनी पट्टी को सिल लिया है। अब हम कैंची लेंगे
और इसकी मदद से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना आसान है इसको पलटना, और हमने इसको पलट लिया है। हम इसको यहाँ पर प्रेस से सेट कर लेंगे। हमने अपनी पट्टी को प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करेंगे और उसको बीच से एक बार और कट कर लेंगे। ऐसे करके हमारे पास ये देखिए दो पट्टी आ चुकी है। ये हमारा फैब्रिक है, और ये देखिए हमने इसके यहाँ से कॉर्नर से, ये देखिए हमने इसके कॉर्नर से यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्क इधर किया है, और ऐसे ही 2.5 इंच पर एक मार्क इधर किया है। अब ऐसे यहाँ पर मार्क करने के बाद ये देखिए हमारे पास दो पट्टी हैं। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करके इसके नीचे रखेंगे और उसको सीधा रखेंगे, और यहाँ पर उसको देखिए कुछ इस टाइप से हमें करके रखना है जो ये हमारा नीचे सिलाई में दब जाए, और हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी पट्टी को नीचे रखेंगे और ऊपर अपने टॉप पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें अपने दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने अपने दोनों पार्ट को ऐसे करके ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है। ऐसे ही मैंने अपने दोनों पार्ट, दोनों स्ट्रिप्स को अपने दोनों पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके उल्टा रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे करके उल्टा रखने के बाद यहाँ पर आधे आधे इंच के मार्जिन से दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से हम यहाँ पर अपने बॉटम को ऐसे करके डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने पूरे घेरे को डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे आधे आधे इंच के मार्जिन से। गाइस ये देखिए हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। अब हम इसके नीचे की नैपी बनाएंगे, इसको रखते हैं साइड में हम। ये देखिए हमने ये पीस लिया है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो 8 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई हमने 7.5 इंच रखी है। अब यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्क ऐसे करेंगे, अपनी खुली साइड हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे, और ऐसे नीचे की साइड यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, और यहाँ पर ऐसे करके गोलाई दे देंगे। यहाँ पर गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है, और ये देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा कुछ इस टाइप से आया है। ऐसे ही हमें अपना दूसरे, हमें ऐसे दो पार्ट चाहिए, ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट को भी कट कर लेंगे। हमने अपने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने नीचे वाले हिस्से को यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर इसको सेंटर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने अपने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके ओपन करेंगे। ये देखिए हमारे पास दो पार्ट हो चुके हैं। अब हम इलास्टिक लेंगे, और इलास्टिक को हम यहाँ पर ये देखिए 10.5 इंच, 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया है चौक से। अब हम अपनी इलास्टिक को यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे, और यहाँ पर इसको ऐसे रखने के बाद फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। गाइस हमें अपने इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी, अपने फैब्रिक फैब्रिक पर सिलाई लगानी है, और ऐसे ही करके हम यहाँ पर अपने पूरे राउंड शेप में ऐसे ही कर कर सिलाई लगाते चले जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने इस साइड और ऐसे ही हमें अपने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। हमने अपने दोनों साइड इलास्टिक लगा ली है। अब यहां से हम इसको ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए हम कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे, और इसकी इस साइड, इसके ऐसे ही दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 12.5 इंच लंबी पट्टी कट की है इलास्टिक की, और मैं इसको यहाँ पर ऊपर लगाऊंगी। इसको हम यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे, और फिर उसको यहाँ पर ऐसे रखने के बाद फोल्ड कर देंगे, और ऐसे ही हम इसमें पूरी अपने घेरे में इलास्टिक लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इलास्टिक को ऐसे करके ज्वाइंट कर लेंगे, और यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे रखकर
और यहाँ पर सिलाई लगाकर ऐसे ही पूरी इलास्टिक इलास्टिक को खींचकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ऊपर अपनी बेल्ट में इलास्टिक डाल लिया है और उसको हमने साइड से भी सिल लिया है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारी नेपी बनकर रेडी है। गाइस ये देखिए हमारी ये निकल है और ये हमारा ऊपर की पार्ट टॉप पार्ट है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पूरी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है, ये इसकी स्ट्रेप्स है। और गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।